हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, डेट फ्री शेयर, वो भी आईटी सेक्टर का छोटा सा शेयर कहूँगा मैं इसको, स्मॉल कैप का शेयर ज़रूर है। और माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट आपको पता होगा कि भैया सॉफ्टवेयर कंपनी टॉप की, जिसका सारा विंडोज सिस्टम सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट का है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में बेताज बादशाह मानी जाती है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा है ये डेट फ्री शेयर, जो इंडिया की कंपनी है। चलिए, कौन सी कंपनी, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, क्या कोलैबोरेशन है, सबके बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, ये कंपनी कोई और नहीं, एनआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एनआईटी टेक्नोलॉजीज एक स्मॉल कैप कंपनी, मैं कहूँगा इंडिया की। और ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो कोलैबोरेशन किया है टू ड्राइव क्लाउड लेड ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी क्लाउड लेड ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है एनआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने। चलिए, बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है। अब ये देखिए, और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी क्लाउडिफिकेशन जो होगा, इससे जो भी इंटरप्राइज क्लाइंट, जितने भी एंटरप्राइज मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाले क्लाइंट्स हैं एनआईटी टेक्नोलॉजीज के, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। बढ़िया भाई, आज की डेट में सारे बिजनेसेस क्लाउड पर मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट एनआईटी टेक्नोलॉजीज, एंड सर्विसेज सेल होंगी माइक्रोसॉफ्ट की, दोनों को फ़ायदा है। अब ये देखिए, एनआईटी टेक्नोलॉजीज़ का, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि भैया आईटी कंपनी है, स्मॉल कैप, 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कंपनी डेट फ्री, मात्र 22 करोड़ का डेट, ना के बराबर मैं कहूँगा इसको। करंट प्राइस 1300 के आसपास है, बुक वैल्यू देखिए 302 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, बढ़िया। और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, सेल्स ग्रोथ 8.5% की, डिविडेंड यील्ड 1.15%। अब ये देखिए, चलिए, ये फंडामेंटल्स हो गए, जो जानकारी थी वो भी पता कर ली, अब टेक्निकल्स पे चलते हैं। देखिए, पहले भी मैंने जब इसका इसमें गिरावट आई थी, जब ये सितंबर अक्टूबर में जो गिरावट चली थी ना, उस टाइम पे जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, तो मैंने सपोर्ट लेवल, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप बड़े बड़े शेयर्स को देखिए, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी वो शेयर्स को आप एक साथ मैं बाई कीजिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, तो आप उसको 25-25-25 करके ऐसे टुकड़ों में बांट दीजिए। और उसके जैसे ये था, इसका फर्स्ट लेवल हमने यहाँ पे ये बनाया था कि ऑलमोस्ट ये शेयर मिलेगा हमको 1050 के अराउंड, तो ये जरूर दो बार ही उन लेवल्स पे आ चुका है, बढ़िया मौका था। अभी नवंबर के टाइम पे भी उस लेवल पे आया था, तो बढ़िया एंट्री का इसने मौका दिया था, फर्स्ट लेवल यहाँ पर बनाया था। सेकंड लेवल हमने इस रेंज में बनाया था कि 981 की रेंज, ये एक पूरी रेंज दी थी, इस रेंज में आप कहीं पर भी बाइंग, बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। और सेकेंड, उसके बाद का जो अगला सपोर्ट रेंज था, अगर इसको भी तोड़ता है तो ये इस रेंज में आ जाता, मतलब कि 930 से लेके 830 से 930 की, इस 100 रुपये की रेंज में आ जाता, क्योंकि अगला कंसोलिडेशन जोन इसका यही था। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, हम ये नहीं कह सकते कि ये इतना ही गिरेगा, शेयर में और गिरावट, कुछ सेलिंग प्रेशर चल रहा है, कुछ मार्केट कंडीशन है, तो और भी गिर सकता है शेयर, नो डाउट, कोई भी नहीं बता सकता कितना। लेकिन हम ये, आप खुद टेक्निकली ये बता सकते हो कि कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, पिछले हिस्टोरिकल डाटा को देख के वहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो वैसे ही आप खुद देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट, दो बार इसी लेवल पे सपोर्ट मिला था 1030 के लेवल से, वहाँ से बाउंस बैक किया और अच्छा गया है, नो डाउट। अभी भी अगर आप देखें, ये ट्रेंड लाइन भी यही लेवल बता रही थी, इसने ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे जरूर आया था, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास गया है। आने वाले टाइम पे भी मैं यही कहूँगा, देखिए ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिल सकता है, जो कि जो रेंज होगी वो 1180 की रेंज आपको देखने को, 1170-1180 ये रेंज हो सकती है, क्योंकि ये पुराने रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, 1170-1180 की रेंज, उससे ज़्यादा गिरावट हम इसमें नहीं सोच सकते। और अगर गिरा तो फिर ये पुराना सपोर्ट जो कि 10-30 का है, ये काम आएगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर ज़बरदस्त है, नो डाउट, आईटी सेगमेंट का बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करेगा परफॉर्म, क्योंकि सारी चीज़ें आईटी बेस्ड ही हो गई हैं, तो आईटी सेक्टर के छोटे छोटे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और खास करके अब देखिए, 2017 से लेकर अब तक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया इसने। 2017 में अगर हम बात करते हैं, तो अप्रैल 2017 में क्या था, 416 का स्टॉक था, आज की डेट में कितना हो गया देखिए, 2 साल में इसने ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना रिटर्न यहाँ पर दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।